दोस्तों, आखिर क्या है वाटर वॉर? किस तरह चाइना कर रहा है पानी का हथियार की तरह इस्तेमाल? किस तरह वो भारत को नुकसान पहुंचाता है? और अब क्यों भारत का डैम देखकर चीन की हालत खराब हो रही है? क्या है आखिर भारत की चीन के खिलाफ स्ट्रेटजी? कैसे भारत इस वाटर वॉर में चाइना से निपटने वाला है? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। 200 जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ का सीजन सर्दी गर्मी और बरसात के सीक्वेंस में आता है, तो जून के साथ ही गर्मी का मौसम लगभग एंड पर है और बरसात का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है और मॉनसून भारत में भी आ ही चुका है। भारत में बारिश की बात की जाए तो मोटे तौर पर भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बारिश के साथ साथ बाढ़ की भी आफत आती है, जिसे फिलहाल की बात करें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को इन दिनों भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। भारत के इस हिस्से में आपको बता दें कि असम एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग हर साल लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है और कई बार तो लोगों के पलायन की नौबत भी आ जाती है। वेल, अब इस बाढ़ के पानी का होता क्या है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जब भी भारी बारिश होती है तो पानी गांव और शहरों में आखिरकार नदियों में जाता है और फिर उसके बाद समुन्द्र में। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि नदियों पर हम इंसानों द्वारा डैम भी बनाए जाते हैं जिनमें बिजली उत्पादन और एग्रीकल्चर जैसे दूसरे कामों के लिए भी नदियों के पानी को रोका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस पानी का इस्तेमाल हथियार की तरह भी किया जाता है? नहीं समझे? चलिए थोड़ी देर में आप सब समझ जाएंगे, बस वीडियो को बॉस एंड तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं आखिर पानी का इस्तेमाल वेपन की तरह कैसे किया जाता है। दोस्तों, जिस तरह भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में भारी बारिश हो रही है उसी तरह भारत के बॉर्डर में लगे चीन के हिस्सों में भी भारी बारिश हो रही है, लेकिन फर्क ये है कि चीन इस पानी का इस्तेमाल कई बार भारत के खिलाफ हथियार के तौर पे भी कर चुका है जिसकी भारत को भनक भी नहीं लग पाती है। अब ये जान लेते हैं कि चीन ऐसा करता कैसे है। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो नदियों में पानी जो होता है वो बढ़ जाता है, ऐसे में नदियों पर बने डैम की मदद से इस पानी को रोक लिया जाता है। अब चीन के बारे में ये जान लीजिए कि चीन के हिस्से से कई नदियां भारत की तरफ बहती है जिनमें ब्रह्मपुत्र, कोसी, इंडस और सतलुज नदियां शामिल हैं। दरअसल ये सभी नदियां चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकलती है। इन्हीं नदियों पर दोस्तों चीन के डैम बने हुए हैं जिनमें चीन पानी को रोक लेता है। ऐसे में आप जानते ही हैं कि जब भी किसी नदी पर बने बांध से पानी ज्यादा मात्रा में एक साथ छोड़ा जाता है तो क्या होता है? आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ किया था चीन ने 2018 के दौरान। चीन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सियान में काफी मात्रा में एक साथ पानी छोड़ दिया था जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। इससे पहले भी 2017 में जब चीन का भारत के साथ डोकलाम को लेकर विवाद चल रहा था तब चीन ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि यह हाइड्रोलॉजिकल डेटा ब्रह्मपुत्र नदी पर बने डैम से जुड़ा हुआ है जिसमें ये जानकारी शामिल थी कि उस डैम में कितना पानी चीन द्वारा रोका गया है, उस पानी को चीन कब खोलेगा, कितना पानी छोड़ा जाएगा, कब तक वो पानी भारत में पहुंचेगा। इस तरह की बहुत सारी जानकारी उस डेटा में शामिल थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस जानकारी के बिना भारत में बाढ़ के लिए संवेदनशील इलाकों से लोगों को हमेशा तो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है ना। अब ऐसी जानकारी अगर पहले से होगी तो ऐसे इलाकों में भारत को पहले से इंतजाम करने में काफी मदद मिलेगी जिससे धन जन की कम हानि होगी। लेकिन चीन ने दोस्तों ऐसा नहीं किया, बल्कि चीन इन नदियों को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र पर तो चीन ने कई सारे डैम्स बनाए हुए हैं। अगर पिछले एक दशक की बात करें तो पिछले एक दशक में चीन इस नदी पर 3 डैम्स बना चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये बात बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि इन डैम्स को करीब 24 किलोमीटर के फासले पर एक के बाद एक बनाया गया है। इससे होता ये है कि चीन इन डैम्स के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी का ज्यादा से ज्यादा पानी रोक सकता है। अब ऐसे में सोचिए अगर 3 डैम्स का पानी एक साथ खोल दिया जाता है तो क्या होगा? क्योंकि ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली सहायक नदी चीन से होकर जब भारत में दाखिल होती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। ऐसे में जितने भी किनारे के गांव और शहर हैं उन सभी को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। अब ये बात तो हुई ब्रह्मपुत्र की, लेकिन ब्रह्मपुत्र के अलावा भी चीन से होकर 3 और नदियां भारत में दाखिल होती हैं और उन नदियों पर भी चीन ने डैम्स के निर्माण कर रखे हैं। अब सोचिए कि चीन किस तरह से भारत के खिलाफ नदियों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर सकता है और कितने बड़े स्तर पर कर सकता है, इस बात का अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल है। दोस्तों, भारत ऐसे में क्या कर रहा है? आपको बता दें कि भारत भी एक इसी तरह का डैम बनाने वाला है। हालांकि इस डैम को लेकर शुरुआत तो 2003 के दौरान ही कर दी गई थी, लेकिन आप जानते ही हैं कि भारत में सरकारी काम कितनी तेजी से होते हैं, है ना? तो बस थोड़ा सा वही लेट हो गया। वेल, अच्छी बात यह है कि अब इस साल ही दिसंबर में इस डैम का पहला यूनिट लगने वाला है। ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू होने वाला है और इसे भारत और चाइना बॉर्डर के नजदीक ही बनाया जाएगा। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मदद से दोस्तों चीन की जितनी भी वाटर डायवर्जन को लेकर चालबाजियां जो इस्तेमाल की जाती है ना, वो सारी की सारी धरी रह जाएंगी।
इस प्रोजेक्ट को दोस्तों NHPC लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $2.6 बिलियन होगी, इंडियन करेंसी में करीब 62.9 बिलियन। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर सबसे पहला फायदा होगा बिजली उत्पादन में, क्योंकि इसके जरिए 2 गीगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। अब ये भी जान लें कि इसे अरुणाचल प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है, क्योंकि इसे सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है। इस डैम को दोस्तों सुबनसिरी लोअर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, क्योंकि इसे सुबनसिरी नदी पर बनाया जा रहा है। ये नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई करीब 442 किलोमीटर है। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र से निकलने के बाद यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है और फिर असम के मजौली में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसी वजह से दोस्तों असम में अक्सर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा असम और अरुणाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में 8 यूनिट्स शामिल है। नदी पर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट की शुरुआत दिसंबर तक हो जाएगी और उसके बाद बाकी यूनिट्स 2024 के आखिर तक चालू हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने बताया, चीन चाहे जितना भी पानी इस नदी में एक साथ छोड़ दे, उस सारे पानी को संभाल लिया जाएगा। किसी भी तरह की ना तो धनहानि होगी और ना ही जनहानि। अब एक मजेदार बात ये भी जान लीजिए कि अगर भारत इन सभी यूनिट्स को क्लोज कर देता है और पानी को रिलीज नहीं करता, तो अब तक जिस तरह चीन भारत के लिए मुसीबत खड़ी करता आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के बाद भारत भी चीन के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से पानी को ना छोड़ने की सूरत में ये पानी इतनी मात्रा में जमा हो जाएगा कि फिर चीन की तरफ से छोड़ा जाने वाला पानी भारत की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे में नदी का सारा पानी चीन की तरफ ही रास्ता तलाशेगा, जिस वजह से चीन के पानी से चीन में ही बाढ़ आ जाएगी। अब जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था, इस प्रोजेक्ट की नींव 2003 में ही रख दी गई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में काफी टाइम लग गया। इसकी वजह ये थी कि जब इस प्रोजेक्ट की उस टाइम पे घोषणा की गई थी, तो वहाँ पे इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन किए गए थे। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर भी कई सारे केसेस दर्ज करा दिए गए थे, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 8 साल तक इस पर बैन लगा दिया। लेकिन दोस्तों फिर 2019 में इसे शुरू करने की इजाजत दी गई। वेल, इस सबके अलावा आपको ये भी बता दें कि तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है, तो इसका सिर्फ 5% फ्रेश वाटर चीन के हिस्से में आ पाता है, जबकि बाकी का भारत के हिस्से में आता है। इसलिए दोस्तों चीन ब्रह्मपुत्र पर 60,000 मेगावाट का एक और बांध बना रहा है। ऐसे में अगर चीन का ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो भारत के एक बड़े हिस्से को ताजे पानी की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में शामिल कई राज्यों में न सिर्फ पानी की समस्या पैदा हो सकती है, बल्कि वहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है। इस तरह से सिर्फ एक डैम की वजह से न सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए, बल्कि खेतीबाड़ी से लेकर घरेलू जरूरतों के लिए पानी की शॉर्टेज हो सकती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ डैम की मदद से ही इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जबकि इस तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की वॉर नहीं होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।